जीवन जोखिमों से भरी यात्रा है और कुछ भी इसके लायक नहीं है जब तक कि आप उन्हें लेने के लिए तैयार न हो। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि छोटी भूमिका निभाने और एक ऐसे जीवन के लिए समझौता करने का कोई जुनून नहीं है जो आपके जीने की क्षमता से कम हो। स्कूल में लोग आपसे कहते हैं कि आपके पास बैकअप होना चाहिए, लेकिन मैं उस अवधारणा को नहीं समझता। अगर मैं गिरने जा रहा हूँ तो मैं किसी भी चीज पर पीछे नहीं हटना चाहता, मैं गिर कर सीखना चाहता हूँ। कम से कम इस तरह मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। कंसिस्टेंसी के बिना आप कभी भी कुछ भी पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह करें जिसके लिए आप जुनूनी हैं। मौके लें और असफल होने से न डरें। याद रखें, बिना लक्ष्य के सपने सिर्फ सपने होते हैं। रेगी जैक्सन ने अपने करियर में 2600 बार स्ट्राइक आउट किया, लेकिन लोगों को स्ट्राइक आउट याद नहीं है, उन्हें होम रन्स याद है। थॉमस एडिसन ने 1000 असफल प्रयास किए, 1001वां प्रयास सफल हुआ था। हर असफल प्रयास सफलता के एक कदम और करीब होता है। आपको जोखिम उठाना होगा और यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपने जीवन के किसी पॉइंट पर असफल होंगे और हार जाओगे। मैंने ब्रॉडवे संगीत में मेरे लिए एक आदर्श भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन मैं गा नहीं सका और मुझे काम नहीं मिला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अगले ऑडिशन और अगले ऑडिशन और अगले ऑडिशन की तैयारी के लिए वहाँ से चला गया। मैंने प्रार्थना की और मैं असफल होता रहा, लेकिन मैंने पिछले साल एक ब्रेक लिया। मैंने उसी थिएटर में ब्रॉडवे पर फैंस नामक एक नाटक किया था जहाँ मैं 30 साल पहले उस पहले ऑडिशन में असफल रहा था। इसलिए सफलता में समय लगता है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं तो यह आपके पास आएगी। आज यहाँ हर ग्रेजुएट के पास सफल होने की ट्रेनिंग और टैलेंट है, लेकिन क्या आप में फेल होने की हिम्मत है? यदि आप असफल नहीं होते हैं तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया। कल्पना कीजिए कि आप अपनी मृत्युशैया पर हैं और आपकी मृत्युशैया के चारों ओर खड़े भूत आपकी अधूरी क्षमता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन विचारों का भूत जिन पर आपने कभी काम नहीं किया, उन प्रतिभाओं का भूत जिनका आपने उपयोग नहीं किया, और वे आपके बिस्तर के चारों ओर क्रोधित, निराश और परेशान खड़े हैं। वे कहते हैं, हम तुम्हारे पास आए क्योंकि तुम हमें जीवित कर सकते थे और अब हमें एक साथ कब्र पर जाना है। याद रखें, ऐसे जीवन के लिए समझौता न करें जो आपके जीने की क्षमता से कम हो। दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ अपने जुनून का पीछा करें और बॉक्स के बाहर सोचने से डरो मत। हमेशा बेहतर बनने का प्रयास करें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी प्रतिभा और संसाधनों का उपयोग करें। भविष्य आपके हाथों में है और हम यह देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते कि आप अद्भुत चीजें हासिल करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।